Hello students, I am Deepak Khandelwal, lecturer in Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur in Civil Engineering Department. तो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब. तो डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब के बेसिक्स और एक डिज़ाइन प्रॉब्लम को हम मिक्स करके आज समझेंगे. तो हमने एक, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने क्या किया है, एक डिज़ाइन एग्जाम्पल लिया है और उसी डिज़ाइन एग्जाम्पल को करते करते हम इसके बेसिक्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. डिज़ाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब. पहली बात तो जो डिप्लोमा के सिलेबस में वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब ही है, तो यहाँ भी सिंपली सपोर्टेड स्लैब का ही एग्जांपल दिया गया आपको. डिज़ाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब टू कवर ए रूम विद इंटरनल डायमेंशंस 4 मीटर बाई 5 मीटर एंड 230 mm थिक ब्रिक वॉल ऑल अराउंड. अज्यूम ए लाइव लोड ऑफ 3 kN/m² एंड ए सर्फेस फिनिश लोड ऑफ 1 kN/m². यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील. अज्यूम दैट द स्लैब कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अप. एक और चीज़ जो आपके सिलेबस में है, इसी टाइप की स्लैब का डिज़ाइन है. वैन कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट अप. अज्यूम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं टेबल नंबर 16 से माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में, जो आपके कोड में की टेबल नंबर 16 है, जो कि पेज नंबर 47 पे है कोड पे, उसमें माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम नॉमिनल कवर जो आपका कोड आपको बताता है, प्रेस्क्राइब करता है, दैट इज़ 20 mm. ओके, तो चलिए हम इसको, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक इफ़ेक्टिव शॉर्ट स्पान मान लेते हैं. इफ़ेक्टिव, यदि आप इफ़ेक्टिव शॉर्ट स्पान ना भी माने तो भी आप इसको सिर्फ शॉर्ट स्पान से भी कर सकते हैं. देखिए, जो भी इनिशियल डेप्थ आप अज्यूम करेंगे वो शॉर्टर स्पान से करेंगे. तो इफ़ेक्टिव शॉर्ट स्पान हमने 4150 mm मान लिया, जबकि जो क्लियर स्पान था वो था आपका 4 मीटर, मतलब 4000 mm. ये हमने इसलिए माना भी, आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि जो इफेक्टिव डेप्थ है dx है वो लगभग 150 आती है टू वे स्लैब्स में, 150 के आसपास. ठीक है, तो अज्यूम एन इफेक्टिव डेप्थ. तो इफेक्टिव डेप्थ आप अज्यूम कर सकते हैं 4150/20 × 1.5 करके. इस प्रकार से आप डेप्थ का अजम्पशन ले सकते हैं. ये आ गया आप 138 mm. ठीक है, अब देखते हैं कि ओवरऑल डेप्थ. तो एक बार मैं टू वे स्लैब का एक सेक्शन आपको बना के बता देता हूँ. देखिए, ये एक साइड का रेनफोर्समेंट मैंने बनाया है और ये मैंने बना दिया अदर साइड वाला रेनफोर्समेंट, है ना. दोनों रेनफोर्समेंट है, एक एक्स डायरेक्शन का होगा, एक वाई डायरेक्शन का होगा. ठीक है, तो अब हमको पता करना है इफ़ेक्टिव डेप्थ. देखिए, तो इफ़ेक्टिव डेप्थ लगभग कैसे माना है, लगभग मान लीजिए ये वाली कुछ, जहाँ पर ये वाली बार क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ये वाली बार नीचे वाली, तो इसको इफ़ेक्टिव डेप्थ डी बोल दिया है. तो जो कि एवरेज डेप्थ भी है, एवरेज इफेक्टिव डेप्थ भी आप इसे बोल सकते हैं. तो ओवरऑल डेप्थ यदि मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, तो डी प्लस एक ही वाला बार, मतलब फाइव प्लस जो भी आपका क्या होगा नॉमिनल कवर, डी प्लस फाइव प्लस नॉमिनल कवर प्लस एनसी. तो डी आपका आ गया 138. नॉमिनल कवर 20 mm होता है मिनिमम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए. फाइव हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 mm. ठीक है, कि हमने 10 mm के बार हम इसमें डिज़ाइन में काम में लेंगे. तो ये ओवरऑल आपका आएगा 163 mm. तो 163 नहीं, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 168 mm के आसपास आपका आ गया. ठीक है, तो प्रोवाइड, या एक बार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 168 mm आ गया, तो इसको प्रोवाइड डी, तो कैपिटल डी हम इसमें लगभग अंदाजे से मान सकते हैं 165 mm, है ना. इसको थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे. ये क्या है, इस यहाँ पर जो इफेक्टिव डेप्थ ली है, हो सकता है ये इस नीचे वाले बार से भी आप इसको ले सकते हैं डी. तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस नॉमिनल कवर. तो 5/2 यदि हम लेंगे तो ये आएगा आपका 10/2, मतलब 5, तो ये आपका आएगा 163. तो 163 को हम कितना ले सकते हैं, 165 भी ले सकते हैं. तो आप देख लेते हैं एक बार अलग अलग डायरेक्शन का, डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा 165 माइनस 20 माइनस 5,
देखिए डी एक्स और डी वाई कहाँ है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहीं से। जो नीचे वाली जो बार्स होगी वो हमेशा शॉर्टर डायरेक्शन वाली होगी, ध्यान रखिए। जो भी शॉर्टर डायरेक्शन है, मतलब कहने का मतलब ये है, यदि मान लीजिए ये वाला आपका 4 मीटर है और ये वाला आपका 5 मीटर है, क्लियर डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लगाई है, तो जो नीचे जो बार होगी वो ये वाली होगी 4 मीटर वाली, है ना, और जो ऊपर जो बार्स होगी वो ये वाली होगी 5 मीटर वाली, ठीक है। तो अब मान लीजिए यदि मैं सेक्शन ऐसे काट के देख रहा हूँ, यदि मैंने सेक्शन ऐसे काट के देखा तो मुझे ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। जो नीचे वाली बार्स है वो तो दिखाई देगी डॉट, मतलब ये वाली बार्स इस टाइप से, और ऊपर वाली बार्स मुझे लेटी हुई दिखाई देगी। तो डी एक्स का मतलब हो जाएगा नीचे वाली बार के मिड से टॉप तक की दूरी, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, और ऊपर वाली बार के टॉप के ऊपर वाली बार के मिड से टॉप तक की दूरी, ये हो जाएगा आपका डी वाई। तो डी एक्स तो हो जाएगा 165, मतलब ओवरऑल डेप्थ में से एक तो आपको नॉमिनल कवर हटाना पड़ेगा ये वाला एन सी, और 5/2 आपको कम करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 140 mm। ऐसे डी वाई हम निकाल सकते हैं 165 माइनस नॉमिनल कवर, देखिए पूरा का पूरा तो नॉमिनल कवर गया, एक बार गया ये वाला माइनस का 10, माइनस का आधा बार और गया, मतलब 10/2, तो ये आएगा आपका 130 mm इस प्रकार से, ठीक है। तो डी एक्स और डी वाई हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये दोनों निकालना ज़रूरी था। अब हम इफेक्टिव स्पान निकालेंगे इन शॉर्टर डायरेक्शन इन एंड इन लॉन्गर डायरेक्शन एल एक्स एंड एल वाई। देखिए एल एक्स और एल वाई आप जानते हैं, जो इफेक्टिव स्पान यदि किसी बीम सिंपली सपोर्टेड बीम या सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए हम ऐसे करके निकालते हैं कुछ, या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, या ये होता है आपका क्लियर स्पान प्लस डी, है ना। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्लियर स्पान प्लस 230 mm, जो भी आपकी सपोर्ट की विड्थ है, यहाँ भी 230 mm विड्थ है, तो जो भी कम होता है। तो देखिए अब जो आपका डी है वो 230 mm से कम आ रहा है, चाहे वो डी एक्स हो कि डी वाई हो, तो ये वाली चीज़ तो आएगी नहीं। तो एल एक्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एल एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 4000 प्लस 140 मीन्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपका 4140 mm, और एल वाई में डायरेक्ट ले सकता हूँ 4000 प्लस 130 mm, तो ये आपका आ जाएगा एल वाई 5000 प्लस 130 mm 5130 mm, और इन दोनों का रेशियो भी हम निकाल लेते हैं, एल वाई अपॉन एल एक्स, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान 5130 अपॉन 4140, हेयर इट इज़ कमिंग एज 1.239। तो मतलब पहली बात तो ये दो से कम है, तो ये क्या हो गई आपकी टू वे स्लैब की तरह हम इसे डिज़ाइन करेंगे, टू वे स्लैब। चलिए आगे चलते हैं, अब निकालते हैं लोड्स ऑन स्लैब्स। अभी तक क्या किया कि आप देख सकते हैं, अब देखते हैं लोड्स ऑन स्लैब, लोड्स ऑन स्लैब। इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं सेल विड्थ, सेल विड्थ ये आ गया आपका 25 × 0.165, जाएगा 4.13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आएगा आपका सरफेस फिनिश सेकंड नंबर पे, चूँकि दिया हुआ है 1 kN/m², यदि नहीं दिया हुआ है और डिज़ाइन में आप इसे कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसे 1 kN/m² मान सकते हैं। थर्ड में लाइव लोड्स, ये दिया हुआ है आपको 3 kN/m², टोटल मैं ऐड कर दूंगा, इट विल कम एज 8.13 kN/m². अब हमें निकालना होता है फैक्टर लोड, उसमें डब्ल्यू से शो किया 8.13 × 1.5 इज़ द लोड फैक्टर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड 12.2 kN/m², है ना। अब हमें निकालने डिज़ाइन मोमेंट्स, देखिए ये स्टेप इसमें मेन है, ये वन वे स्लैब की तरह नहीं कि WL² / आप एड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा अलग है, डिज़ाइन मोमेंट्स अलग तरीके से निकाले जाते हैं।
अभी डिज़ाइन मोमेंट भी हम कहाँ निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं इसकी सेंट्रल स्ट्रिप पे, फोर स्ट्रिप्स एट मिड स्पान 1 मीटर वाइड इन ईच डायरेक्शन। देखिए आप कोड के पेज नंबर 90 पे जाइए, एक बार आप साथ साथ में जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में जा सकते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मिडिल स्ट्रिप कौन कौन सी मानी हुई है। तो पेज नंबर 90 पे बताया हुआ है स्ट्रिप्स में आपको कैसे तोड़ना है, ठीक है, मतलब कितनी लेंथ तक इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट काम करेगा और उससे आगे नेगेटिव टाइप का बेंडिंग मोमेंट काम करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं अल्टरनेट पार्ट्स को बेंट अप करते हैं। तो एम यू एक्स आ जाएगा आपका, एल्फा एक्स, डब्ल्यू यू, एल एक्स स्क्वायर, एम यू वाई आ जाएगा आपका, एल्फा वाई, डब्ल्यू यू, एल एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एम यू वाई में भी एल एक्स स्क्वायर ही आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एल वाई स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा एल एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो अब एल्फा एक्स और एल्फा वाई या तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो हमने आर निकाला था ना रेशो ऊपर, ये वाला रेशो, या तो आप इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट यदि फार्मूला आप याद कर ले तो एल्फा एक्स का मैं फार्मूला ले देता हूँ, 1/8 आर फोर अपॉन 1 प्लस आर फोर। तो इसे भी आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.0878 और अल्फा वाई आपका आ जाएगा 1/8 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर फोर। बस इतना सा अंतर है, यहाँ 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी दी जाएगी 0.0571। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, जो कोड में आपको दी हुई है टेबल नंबर 27, टेबल 27 कौन से पेज पे, पेज नंबर 91, ठीक है, ये अनेक्स डी में है, अनेक्स डी पेज नंबर 91 पर है टेबल नंबर 27। या आप उससे एल वाई अपन एल एक्स की वैल्यू से और अल्फा एक्स और अल्फा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, इंटरपोलेशन के थ्रू। यदि आप इंटरपोलेशन में आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ये निकालना जरूरी है। टू वे स्लैब में एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों निकाला जाएगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में ही आप मेन रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे, जबकि वन वे स्लैब में सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में आप मेन रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं, शॉर्टर या जिस डायरेक्शन में आपका लोड का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट, डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है, एक मिनट। डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट देखिए, अब ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई आ गया है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख के आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा एक्स की वैल्यू 0.0878, डब्ल्यू यू आप ऊपर निकाल चुके हैं 12.2 और एल एक्स आपका आ जाएगा 12.5 और एल एक्स आपका ऊपर हमने निकाल चुके हैं इफेक्टिव स्पान इन एक्स डायरेक्शन, जो कि आपका आ गया है 4.14 मीटर इंटू 4.14। तो एम यू एक्स आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया जाएगा 18.36 किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर। ऐसे ही सारी वैल्यूज अल्फा वाई, डब्ल्यू यू और एल एक्स स्क्वायर की यहाँ पर रखेंगे, 0.0571 अल्फा वाई है, 12.2 डब्ल्यू यू है और 4.14 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर, ठीक है। ये वैल्यूज़ में मैं राउंड कर देता हूँ, ये एम यू एक्स है और ये एम यू वाई है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अभी हम डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट करने वाले हैं। तो वही ए एस टी एक्स हम निकालेंगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ,
एफ सी के अपॉन टू एफ वाई वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस 4.598 एम यू एक्स अपॉन एफ सी के पी डी एक्स स्क्वायर इंटू बी डी एक्स। तो इस टाइप से आप एक्स टी एक्स निकालेंगे, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आएगी 385 mm स्क्वायर पर मीटर। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके ज़रूर देखें, और यहाँ जो भी एम एक्स की वैल्यू आएगी इसको 10^6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू का आपको, ये वाली वैल्यू है किलोन्यूटन इंटू मीटर में, आपको इसको चेंज करना होता है न्यूटन इंटू mm में। तो किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, हज़ार से मल्टीप्लाई किया, और मीटर को mm से चेंज किया तो हज़ार से मल्टीप्लाई किया, तो 10^3 इंटू 10^3 मीन्स 10^6 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो ए एस टी एक्स आ गया, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं ए एस टी वाई, उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ सी के अपॉन टू एफ वाई वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस 4.598 एम यू वाई अपॉन एफ सी के बी डी वाई स्क्वायर इंटू बी डी वाई। तो इस टाइप से सारी डी एक्स डी वाई एम यू एक्स एम यू वाई सब की वैल्यू रखते हुए आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ए एस टी वाई आपका आ जाएगा 265.7 एम एम स्क्वायर पर मीटर। चलिए ये आ गया, अब इनकी स्पेसिंग आप निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्पेसिंग इन एक्स डायरेक्शन, इसको मैं एस एक्स रख देता हूँ, ये आपकी आ जाएगी 1000 ए बी मीन्स एक बार का एरिया हमने बाहर लिया है 10 एम का, तो 5/4 इंटू 10 स्क्वायर, उसकी वैल्यू आएगी 78.5 एम एम स्क्वायर, 385 ये वैल्यू आ गई आपकी 204 एम एम। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं एस वाई, ये आ जाएगी 1000 इंटू 78.5 अपॉन 265.7, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 295 एम एम। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, जो स्पेसिंग शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3D और 300 mm, विच एवर इज शॉर्टर विच एवर इज लेसर। ठीक है, तो मतलब 300 mm से 3 इंटू डी आप करेंगे, जैसे 3 इंटू डी एक्स कर दें या 3 इंटू डी वाई कर दें, वो 300 mm से ज़्यादा ही आना है। तो मतलब स्पेसिंग 300 mm से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जो दोनों वैल्यू ऊपर आई है वो 300 mm से कम ही है। तो प्रोवाइड 10 phi एट द रेट 200 mm इन शॉर्ट स्पान, ठीक है, या एक्स डायरेक्शन में स्पान या एक्स डायरेक्शन में, और 10 phi एट द रेट 290 mm, मैंने पहले बताया था जो भी स्पेसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसे आप कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, इन लॉन्ग स्पान। ठीक है, तो इस टाइप से हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए, मैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल और चेक फॉर शीयर स्लैब्स के लिए कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यदि इस क्लास में बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 मिनट आपको और उसको देखना पड़ेगा, तो लेक्चर में इतना बड़ा करना नहीं चाह रहा जिससे आपको इसको पढ़ने में ईजी रहे। अब डिज़ाइन में ये कर दिया, लास्ट स्टेप होता है इसको आपको ड्रॉ करना, तो ड्रॉ करना आप देख लीजिए, ड्राइंग बहुत मेजर पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको करनी आनी चाहिए। मैं भी थोड़ा रफली यहाँ कर रहा हूँ, आप अपर टाइम हो तो बढ़िया से आप इसको करके आए। ठीक है, ये मैंने चारों तरफ वाला जो सपोर्ट है वो बनाया है, ये आपका हो गया सपोर्ट। मैं बना देता हूँ यहाँ पे बार्स, अल्टरनेट बार्स को बेंट अप करना होता है एल बाई 10 के आसपास, इस टाइप से अल्टरनेट बार्स क्या रहेगी, बेंट अप रहेगी। ये शॉर्टर डायरेक्शन वाली आपकी बार से ये है आपका क्लियर स्पान 4000, और ये क्लियर स्पान है आपका 5000। अभी अपन क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं।
स्लैब का प्लान। तो ये बार से आ जाएगी 10 φ @200 mm सेंटर टू सेंटर, और ये वाली बार साहब की आएगी 10 φ @290 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो आपको बताइए कि हमने इस टाइप से इसका प्लान बना लिया है। ये जो भी है आप थिकनेस वगैरह शो कर सकते हैं इस प्रकार से, और इसकी थिकनेस आप लिख दीजिए 165 mm। ठीक, अब आ रहा है इसका सेक्शन। सेक्शन ये तो हो गया आपका सपोर्ट, अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसमें आपका रेनफोर्समेंट। ये हो गया रेनफोर्समेंट, और ये हो गई आपकी शोल्डर स्पान वाली बार्स नीचे की तरफ, और ये जो बेंट अप किया जाता है इस टाइप से बार को, इसमें भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह इसके अंदर बता सकते हैं। तो बता ही देते हैं, ये तो शोल्डर स्पान वाली बार्स हैं, ये है आपकी 10 φ @200 सेंटर टू सेंटर, और ये है लॉन्गर स्पान वाली 10 φ @290 सेंटर टू सेंटर। ओवरऑल थिकनेस है आपकी 165 mm। ठीक है, और बस काफ़ी है आपको। और देखिए ये यहाँ पर जो बार्स प्रोवाइड की जाती है, ये एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की जाती है, ये 8 mm की बार्स आप दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप सेक्शन भी बता सकते हैं। सेक्शन कौन सा, जैसे कि मान लीजिए आपने वही ये वाला सेक्शन बताया है, ठीक है, सेक्शन ए। इस टाइप से आप एग्ज़ाम में ये प्लान और सेक्शन जरूर ड्रा करें। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने एक टू वे स्लैब का डिज़ाइन देखा। टू वे स्लैब में जो दोनों आपके दो लोड का ट्रांसफर होता है वो दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट डिज़ाइन होता है, स्पेसिंग चेक होती है 3D या 300 mm से। जबकि वन वे स्लैब में एक तरफ मेन रेनफोर्समेंट होता है, एक तरफ स्पेसिंग चेक होती है 3D या 300 mm से, दूसरी तरफ होती है 5D या 450 mm से। लेकिन इसमें दोनों तरफ हमने स्पेसिंग चेक करी 3D या 300 mm से ही हमने चेक करी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ही मेन रेनफोर्समेंट है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इसमें नहीं है। तो आज इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्लैब के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल सीखेंगे, हम इसी क्वेश्चन के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल देखेंगे।